सिंघू बॉर्डर से बेअदबी करन आए शख्स का कतल कर दिता गया। निहंग सिंह दे वल्लों जिम्मेवारी ली गई ते निहंग सिंह दे वल्लों सरेंडर भी किया गया ते हुण अदालत दे विच पेश किया जा रहा। सोनीपत अदालत दे विच निहंग सिंह नूं पेश किया जा रहा है। तो दस दिए कि पुलिस अज निहंग सिंह का रिमांड लैण की कोशिश करेगी। रिमांड जिहड़ा है निहंग सिंह दा अज लिया जा सकता है। तो दस दिए कि सरबजीत सिंह पाऊ जिस दे वल्लों बेअदबी करन वाले शख्स दा कतल किया गया ते जिम्मेवारी ली गई है। श्री चमकौर साहब दे नाल संबंधित है, घोड़ियां दी सेवा करदा सी। हिम्मत सिंह मिसल दे नाल संबंधित है ते उसने ये जिम्मेवारी ली। तो दस दिए कि सिंघू बॉर्डर ते बेअदबी करन आया सी शख्स जो तरन तारन दे चीमा पिंड दा रहण वाला सीगा। ते हुण इस मामले दे विच सियासत भी हो रही है जिथे एक पासे बसपा सुप्रीमो मायावती दे वल्लों कहा गया कि चन्नी सरकार नूं 50 लाख रुपए पीड़ित नूं देने चाहिए ने, भाव के जो लखबीर सिंह है उसनूं देने चाहिए ने। यह भी कहा जा रहा है कि वह ऐसी भाईचारे नाल संबंधित सीगा ते चन्नी सरकार नूं चाहिए कि 50 लाख रुपए दिता जाए। दूजे पासे विजय सांपला ते भाजपा के भी बयान आ रहे हैं कि लखबीर सिंह दे लई चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों कुछ नहीं कहा गया जबकि वह एक ऐसी भाईचारे नाल संबंध रखता, पर इसनूं यह गलत रंगत दी जा रही है। जिस ढंग दे नाल बेअदबी चाहे कोई भी करना हुंदा निहंग सिंघां दा जिहड़ा उसकी सज़ा सीगी वह उही रहनी सीगी चाहे वह किसी भी भाईचारे नाल संबंधित हुंदा, पर इसनूं एक गलत रंगत देने की कोशिश इस वेले की जा रही है, सियासत जिहड़ी की जा रही है। हालांकि दीप सिद्धू का भी इस दे विच एक ट्वीट एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जदों स्टेट का यह फेलीअर है, स्टेट ने बेअदबी के मामले के सज़ा नहीं देनी तो सिखा ने आप इंसाफ ले लिया। तो तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं सोनीपत अदालत दियां जिथे निहंग सिंह सरबजीत सिंह पाऊ नूं पेश किया जा रहा है। साढ़े पत्रकार विनीत कपूर मौजूद ने, वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं जिस ढंग दे नाल पूरा घटनाक्रम होया कि किवें एक जिहड़ा शख्स है लखबीर सिंह ते उह पहलां उत्थे सेवा करदा है ते उहनां दा विश्वास जित्तण दी कोशिश करदा है निहंग सिंघां दी, ते निहंग सिंघां मुताबक उह बेअदबी करन लगदा है, बेअदबी करदा है तां उस नूं मौके ते ही फड़ लिया जांदा है ते मौके पर ही फड़ लिया जाता है तो उत्थे ही उसका गुट वढ दिता जाता है। दस दिए कि गुट वढ दिता जाता है, उस तो बाद उस नूं टंग दिता जाता है बैरीगेट के उत्ते, उसकी बांह बन दिती जाती है तो उस तो बाद वो दम तोड़ जाता है। तो जिस निहंग सिंघां दे वल्लों ये जिम्मेवारी ली गई उस तो बाद किसान मोर्चे ने इस तो अपना कहा कि साडा इस नाल कोई संबंध नहीं है। निहंग सिंघां ने भी यह गल आखी है कि इसका किसानी मोर्चे नाल संबंध नहीं, साढ़े प्यो नूं हथ पाया असी इस करके हथ उसका वढ़िया है। तो दस दिए कि अज उसका संस्कार भी है लखबीर सिंह का जिहड़ा है उसके डेड बॉडी उसकी मृतक के उसके पिंड पहुँच चुकी है, उसके उसका संस्कार है जिहड़ा वह किया जा रहा है। तो दूजे पासे जिहड़े BJP के आगू ने विजय सांपला अते राष्ट्रीय SC कमिशन के चेयरमैन भी ने, उन्होंने कहा कि सिंघू बार्डर से जिहड़ा हथ पैर कटिया गया है कि यह तालिबानी वांग किया गया है तो सख्त कार्रवाई की उन्होंने वालों मांग की गई है। तो दस दिए कि जिम्मेवारी जिहड़ी है वह निहंग सिंह दे वालों ली गई तो हुण उसनू अदालत दे विच पेश किया जा रहा है। पुलिस रिमांड उसका हासिल किया जा सकता है शनिवार होने करके अज अदालत दे विच छुट्टी सी, पर स्पैशल अदालत लाई गई है जिथे निहंग सिंह सरबजीत सिंह पाऊ नूं पेश किया जा रहा है अदालत दे विच अते उसका रिमांड हासिल किया जा सकता है। अज अदालत दे वल्लों रिमांड जिहड़ा है दिता जा सकता है, पुलिस दे वल्लों रिमांड की मंग जिहड़ी है वह की जाएगी। तो पुलिस के मुताबिक वो कोशिश करनगे कि पूरी घटनाक्रम अते इस दे नाल होर कौन इनवॉल्व सीगा वह भी पता करने की कोशिश करनगे। तो दस दिए कि हालांकि सरबजीत सिंह पाऊ निहंग सिंह है जिहड़ा उन्होंने खुद यह जिम्मेवारी कबूली सी कि हाँ ये मैं किया है, तो जिहड़े जथेदार ने निहंग सिंह उन्होंने भी कह दिता सीगा कि जे कोई भी इस तरह करेगा भविख दे विच भी तां वह भी इस तरह दंड दिता जाएगा। तो यह भी जिहड़ा उन्होंने दस्या है कि जिहड़ा शख्स मारिया गया जिसका कतल किया गया जिहड़ा बेअदबी करन आया सी उसने खुद कबूल किया है कि उन्होंने 30,000 रुपया दे के पंजाब तो भेजा गया है। अजे 20 बंदे जिहड़े पंजाब तो भेजे गए हैं
बेअदबी करन दे लई, जिहदे विचों एक उन्होंने मार दिता जबकि 19 हाले बाकी ने। तो उन्होंने कहा कि बाकियों का भी हशर इस तरह ही होगा जे कोई साडे गुरु की साडे प्यो की बेअदबी करन की कोशिश करेगा। तो दस दी कि वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां, सोनीपत अदालत दे विच पेशी लई लिआंदा गया है निहंग सिंह नूं। बीते कल सरेंडर जिहड़ा है उह कर दित्ता सीगा। सिंघू बार्डर ते इह घटना वापरी सी, किस ढंग दे नाल जिहड़ियां वीडियो सामने आईआं किस ढंग दे नाल उसनूं बन्निआ गया। हालांकि अरब देशां दे विच इसे तरह की सज़ा जिहड़ी दित्ती जांदी है जे कोई क्राइम करदा है तां इसे ढंग की सज़ा जिहड़ी है अरब देशां दे विच अक्सर दित्ती जांदी है। तो उत्थे क्राइम इस वेले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जदों भी कितें पंजाब दे विच बेअदबी हुंदी है तां बाद दे विच इह कह दित्ता जांदा है कि यह शख्स मानसिक तौर पर परेशान सी, तो इस ढंग दे नाल उसका बचाव किया जाता है। पर इस घटना दे विच जिहड़ी सिंघू बार्डर ते हुई है निहंग सिंघां दे वल्लों मौके ते ही उसका कतल किया गया। हालांकि जिहड़े बहुत सारिया धिरां ने वो इस गल्ल नूं कह रही ने कि कानून मुताबक कार्रवाई होनी चाहिए सी, लोकतंत्रक देश हैगा ये भारत ते कानून अपने हाथ दे विच नहीं सी लैणा चाहिए निहंग सिंघां नूं। पर दोनों पासे जिहड़े निहंग सिंघ ने उन्हां दा एक अपना तर्क है, वो कहिंदे ने कि जदों साडे गुरु नूं साडे प्यो नूं जे कोई इस तरह करेगा तो उसका हशर यही होगा। हालांकि कानून मुताबक देखा जाए तो कानून मुताबक कतल की धारा जी सरबजीत सिंह भाऊ ते ला दी गई है, कतल की धारा लाई गई है 302 धारा लाई गई है, तो कतल की ही सज़ा जी सरबजीत सिंह भाऊ नूं मिलेगी। पर निहंग सिंह जथेबंदियां अपना वकील कर रही ने, वकील करके अपने जेडे दलीलां ने दित्तियां जाणगियां, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी जगदी जोत ने, उन्हां नूं भी इस तरह अंग उन्हां दे खंडित करने उस विधि विधान दे विच आउंदा है। तो देखना होगा कि हुण अदालत इस ते की, क्योंकि जदों केस चलेगा उस तो बाद ट्रायल चलेगा, उस तो बाद की सज़ा मुकर्र अदालत दे वल्लों कीती जांदी है जां जमानत मिलती है नहीं मिलती, ये सारे हाले आने वाले समय दे विच पता लगेगा। पर इन्ना जरूर है कि बेअदबी दे इस जिहड़ा करन आया सी कीती सी जिसने बेअदबी उसनूं मौके ते ही कतल कर दिता गया। तो निहंग सिंघां दे वल्लों ये भी कहा गया, हालांकि उन्होंने अपनी भाषा है कि असी सोधा लाया है, जां उन्होंने ये भी भाषा है कि जे कोई अगे भविख दे विच भी ये कुछ करेगा तो उसनूं उत्थी झटका दिता जाए। झटका देने का मतलब निहंग सिंघां तो यही है कि उत्थे ही उसका कतल कर दिता जाए, क्योंकि तुसीं देखिया कि श्री आनंदपुर साहब दे विच तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे एक बेअदबी हुंदी है। एक जिहड़ा बाघा पुराणे नाल संबंधित पिंड का बंदा जिहड़ा लुधियाणा दे विच काफ़ी देर तो रह रहा सीगा, वह श्री आनंदपुर साहब केसगढ़ साहब जाता है, उत्थे जाके सिगरट का धुआं रागी सिंघां वल सुटदा है, तो उत्थे ही सिगरट भी सुटदा परिक्रमा दे विच ही श्री दरबार साहब के अंदर, तो उत्थे उसनू फड़ लिया जाता है। फड़न तो बाद उसनू पुलिस के हवाले कर दिता जाता है, पुलिस उस ते जुआपा भी ला दिंदी है, होर धारावां जिहड़ियां ने बनदियां ने धारा 295 ए जिहड़ी धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण दी है वह भी ला दिंदी है। पर सिख जथेबंदियां इसका विरोध करदियां ने, हालांकि कि बेअदबी किवें हुई। तो दूजे पासे हुण निहंग सिंह कहिंदे ने कि मौके ते ही उसका जिहड़ा ए सज़ा है उसनू दे देनी चाहीदी सी। हालांकि उत्थे बहुत थावां ते देखिया गया कि पिछे जे एक वीडियो जिहड़ी संगरूर जिले नाल संबंधित सी, एक औरत टूणा करके आ गई गुरद्वारा साहिब दे विच, हालांकि पिंड वालियां ने अपने तौर पर ही उत्थे जिहड़ा ए उस ते कार्रवाई की मांग की, जां होर बहुत सारियां इस तरह दीआं बेअदबी दीआं घटनावां वापरदीआं ने, क्योंकि बेअदबी दीआं घटनावां रुकण दा नां नहीं लै रहीआं। पिछे जे जिहड़ा गोबिंदगढ़ दे नेड़े पिंड हैगे दो, उत्थे इक्को शख्स ने इक्को दिन नाभे तो आ के दो थावां ते बेअदबी की, बाद विच परिवार कहिंदा सीगा कि यह मानसिक तौर पर परेशान सी। पर मानसिक तौर पर परेशान होना दा संबंध गुरद्वारा साहिब जाके ही क्यों, गुरद्वारा साहिब ही क्यों लभदा मानसिक रोगियों नूं, यह वड्डा सवाल है कि जिहड़े मानसिक तौर पर परेशान ने कि उन्होंने ये सोझी हैगी है कि वह गुरद्वारा साहिब दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करन, जिहड़ी जिसनूं सारी दुनिया सिख धर्म जिसनूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु मान्यो ग्रंथ कहा कि सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, उस ग्रंथ की ग्रंथ किसी भी धर्म नाल संबंधित हो सकता है, हर एक का सत्कार जिहड़ा जरूरी है, चाहे कुरान शरीफ की गल हो, चाहे गीता की गल हो, जिन्हें भी जिहड़े भगवत गीता जी की गल होर भी जिन्हें धार्मिक ग्रंथ ने उन्ना ही सत्कार जिन्ना सारे लोग आपो अपने धर्मों के रेंदे हुए करते हैं देना चाहिए। पर बेअदबी जिहड़ी है यह गुरु ग्रंथ साहिब की पिछले काफ़ी समय तो हो रही है, जिस करके ये जिहड़े निहंग सिंघां दे वल्लों बहुत सारिया धिरां जां सिख जथेबंदियां इस नूं जायज़ भी ठहरा रही ने। पर दूजे पासे जे कानून मुताबक देखा जाए तो यह क्राइम है, कानून दे दायरे दे विच ये उस तरह आएगा जिवें कोई भी शख्स किसी का कतल करता है, उही धारा लगनी हैगी है, उही कानून मुताबक कार्रवाई होनी हैगी है। तो सिंघां ने यह भी कहा है कि जिहड़े निहंग सिंघ ने कि असी
जिम्मेवारी भी ली है, कार्रवाई तो भी नहीं डरते हैं क्योंकि जो असी किया है वो अपने गुरु लिए किया है, अपने प्यो लिए किया है, अपने पिता लिए किया है। असी ही सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना मानते हैं तो असी अपने अखां सामने इस तरह की बेअदबी नहीं देख सकते हैं। हालांकि इस जिमें एक होर रंगत भी दी जा रही है कि यह दलित व्यक्ति सगा, दलित व्यक्ति उत्थे आया तो उसनू मारिया गया, हुण पीड़ित परिवार को मुआवजा दिता जाए। बसपा सुप्रीमो के वलों मंग की गई है 50 लाख रुपया दिता जाए। जिहड़े नैशनल एससी कमीशन के चेयरमैन ने विजय सांपला वो भी कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई जी निहंग सिंह ते की जाए जिन्होंने ये कतल किया है। हालांकि इस जो दूजे पास में देखा जाए कि बेअदबी का यह मामला सीगा ते उत्थे विच ऐसी भाईचारे का होना या ना होना वो कोई मायने नहीं रखता है। जो भी शख्स आया निहंग सिंह ने उसनू उस तरह लिया, चाहे वह किसी भी धर्म नाल संबंध रखता। हुण तुहानू दसदे हां कि अदालत दे विच निहंग सिंह सरबजीत सिंह भाऊ नू पेश किया जा रहा, पुलिस अज उसका रिमांड हासिल कर सकती है।